हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरविल पर। एक बार फिर से इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं बिहार अर्बन जेई की एक लेटेस्ट न्यूज, जो कि अभी कुछ देर पहले ही एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस डिपार्टमेंट ने दी है। वो क्या है, एक्चुअली जो डीवी होने वाला था, जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड बच्चे किए गए थे, तो उनकी जो डेट थी 10 फरवरी और 11 फरवरी, उसको कैंसिल कर दिया गया है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जाकर देखते हैं वो क्या न्यूज है। तो ये मैंने ओपन कर ली है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका जो नोटिस बोर्ड है हम उस पर चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। ये सीरियल नंबर जो 2 है ये उसी के लिए है। हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोडेड है। एक बार ओपन करके देखते हैं क्या न्यूज है। और अभी देखिए, अभी फिलहाल ही में आया हुआ है बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के स्वीकृत रिक्त 463 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति PR नंबर 013722 अर्बन 2019-20 दिनांक 14 जनवरी 2020 को प्रकाशित की गई थी। उक्त पदों पर दिनांक 14 जनवरी 2020 से 27 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था, तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का शॉर्ट लिस्टिंग के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों का दिनांक 10 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी को काउंसलिंग निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणवश दिनांक 10 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी 2020 को निर्धारित उपरोक्त काउंसलिंग स्थगित किया जाता है। काउंसलिंग की अगली तिथि की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन से साफ क्लियर है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो डेट थी, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। और नेक्स्ट डेट क्या आएगी वो उसके बारे में अभी नहीं बताया है, बोला है कि बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो देखते हैं कि अगली तारीख क्या आती है और कब आती है, और आगे इनका क्या प्रोसेस होने वाला है। और ये जो कैंसिल डेट की है, इसका भी कोई रीज़न नहीं पता है कि क्यों कैंसिल किया गया है। और बाकी जो भी है पता चलेगा बाद में। लेकिन जो भी बच्चे जो आउट ऑफ बिहार रहते हैं, और जिन्होंने जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था और जिन्होंने रिजर्वेशन कर दिया था, उनके लिए एक समस्या का प्रश्न हो सकता है। लेकिन जो भी है क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट का निर्णय है, जो भी है देखना पड़ेगा। और बाकी जो भी इसकी न्यूज आती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से आगे अर्बन जेई के लिए, अर्बन जेई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको पाने के लिए। थैंक यू। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में।